हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन से कुछ क्वेश्चंस और इनको सॉल्व करने के क्या स्मार्ट तरीके हो सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके IBPS क्लर्क या फिर NTPC जैसे एग्ज़ाम्स के लेवल के हैं और देखेंगे हम कैसे स्मार्ट तरीका लगा सकते हैं जिससे इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकें और एक्यूरेसी भी आपकी बराबर मेंटेन रहे। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है क्या होगी। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो ऐसे हो सकता है कि आप इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए। कितनी बार जाएगा देखिए, तो 4 × 2 = 8 होगा, 1 बचेगा 11 होगा, 4 × 2 = 8, फिर कितना बचेगा 3 बचेगा, 4 × 9 = 36 होगा और 4 × 4 = 16 पूरा डिवाइड हो गया। फिर ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 5 × 20, 2 × 2 = 29 हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पे, 4 बचेगा तो कितनी बार जाएगा, 5 × 8 = 40, पॉइंट लगाएंगे फिर 5 × 8 = 40, कितना गया 458.8। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। एक तरीका ये है सॉल्व करने का। दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि आप देखिए ये 5 है मल्टीप्लाई में ही है, ये डिवाइड हो रहा है 4 से, इधर आएगा तो ये 5 भी डिवाइड ही होगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 9176 लिखते और 5 × 4 कितना होता, 20 होता। आप 20 से डायरेक्ट डिवाइड करके इसको निकाल सकते थे, मतलब दो दो बार आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती, केवल एक बार आप डिवाइड करते। ओके, क्योंकि 4 × 5 = 20 करने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता, वो तो पता है 20 × 4 = 80 होगा। फिर यहाँ पे बचेगा कितना, 11 बचेगा, इधर जाएगा तो ये 117 हो जाएगा, 117 होगा तो कितनी बार जाएगा, फिर 20 × 5 = 100 हो जाएगा, फिर से 176 होगा, फिर 20 × 8 = 160, पॉइंट लगाएंगे, फिर 16 बचेगा तो ये 20 × 8 = 160 पूरा कट गया, 458.8 ये इसका सही आंसर आता। ओके, आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप ये तरीका फॉलो करते हैं तो ज़रूर आप इस क्वेश्चन को जैसे आप इससे सॉल्व करें, इससे सॉल्व करने में आप अपने कम से कम 5 से 10 सेकंड बचा सकते हैं। ओके, वैसे तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है लेकिन फिर भी आप इसको बचा सकते हैं समय। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है 1116.5 डिवाइडेड बाय 22 गुणे में 14.5। तो सबसे पहले आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना आना चाहिए या फिर करना है, फिर उसके बाद डिवाइड करना है। तो ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करेंगे आप, तो देखिए आपको मल्टीप्लाई करना है 14.5 को। अब मल्टीप्लाई करने में क्या हो सकता है कि आप नंबर इतना बड़ा नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं, 22 लिखा हुआ है, 22 × 5 कितना होता है, 110 होता है, तो 0 आ जाएगा, 11 बचेगा, 22 × 4 करेंगे 88 होगा, 88 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 99, तो 9 लिखेंगे, 9 बचेगा, 22 × 22, 22 में आप कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, कितना गया 319। मतलब आप देखिए कि ये आपको वैल्यू मिल गई 1116.5 डिवाइडेड बाई 319, ये वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। सारा जो खेल है या फिर कह सकते हैं सारी जो कैलकुलेशन अब यहाँ से स्टार्ट होती है कि आप यहाँ से आंसर निकाल पाते हैं कि नहीं, कितना समय लगता है। तो अब आप इसको अगर ध्यान से देखिए, 1116 लिखा हुआ है, दशमलव में 5 और बटे में क्या है 319। अब डिवाइड अगर करिए और यहाँ पे ऑप्शंस को देखिए 2.5 3.5 ऐसे बहुत बड़ा आंसर नहीं है। तो आप अगर देखिए, अगर ये 32 होता मतलब 320 होता तो ये कितनी बार जाता, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अगर आप 1116 है 3 बार ले जा पाते, क्योंकि 4 बार अगर आप करेंगे तो ये 1200 समथिंग वैल्यू देगा जो कि ज़्यादा होगी इससे, 319 ही तो है, एक कम है। तो अगर आप इसको 3 बार ले जा करके देखें कितना आएगा, तो आप जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे 3, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये पता चल गया ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है और ये ऑप्शन नहीं है, केवल 2 ही यहाँ पे आपके पास चॉइसेस हैं, 3.5 या फिर 3.25, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन है। देखिए एक स्टेप और इतना बड़ा आपको फ़ायदा मिलता है। अब आपको ये भी चिंता हो सकती है कि 319 × 3 करने में भी समय लगेगा, बिल्कुल नहीं। 32 × 3 कितना होता है, तो ये कितना होता है, तो ये होता है 96, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। ये 320 नहीं होकर के 319 है, मतलब अगर ये अब 320 होता तो ये 960 आता, 319 है तो यहाँ पे 319 × 3 कितना होगा, तो ये बस 3 घटा लीजिए इसमें से, 957। देखिए आसान है, कितना गया 957। अब आपको 1116.5 में से 957 को घटा लेना है। अब इसको घटाएंगे तो ये 0.5 आ जाएगा, 16 में से 7 जाएगा 9 आएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा, 10 में से 9 गया तो यहाँ पे 1 आ गया, 159.5 ये वैल्यू मिली। अब आपको पता है ये 319 से छोटा है तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे आप,
पॉइंट लगाएंगे तो ये जो डेसिमल है ये एक स्टेप आगे चला जाएगा, मतलब ये 1595 आ गया। अब आपको पता है कि अगर ये 1595 है, ये 319 है, तो पांच बार ये जाएगा, ना कि दो बार जाएगा। दो बार काटेंगे क्या? नहीं। तो कितनी बार जाएगा? पांच बार। बी वाला ऑप्शन सही हो। देखिए मैंने कैलकुलेट भी नहीं किया कि इसका क्या आंसर आएगा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बहुत अगर शंकालु हैं, आपको पता है तीन ऑप्शन नहीं हो सकते, दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन, और पता है कि जब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता तो एक ही ऑप्शन बचता है, टिक करके आगे बढ़िए। ओके, आपको एग्जैक्ट आंसर निकाल के रफ कॉपी में जमा करना, वो तो चेक होना नहीं। तो ये स्मार्ट तरीके का आप अपनाइए तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ भी अगर आप 319 से डिवाइड करने की सोचते तो आप खुद भी सोच सकते हैं, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे बीपी हाई हो सकता है कि कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी 319 को 320 से एक कम मान करके चले हैं, जैसा यहाँ पे हमने किया, तो कितने आसानी से, मतलब इतना जो टेंशन था दिमाग का वो हमको कुछ भी लगाना नहीं पड़ा, ना तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना पड़ा, आसानी से हमने कर लिया। तो ये तरीका अगर आप सीखते हैं तो आपका जो भी समय है कैलकुलेशन का वो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 62% ऑफ 450 माइनस में क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 160 इज इक्वल टू 223। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि परसेंट की वैल्यू तो पता है 1/100 होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व कर लें, ये क्या आता है। अब 62% सॉल्व करना है तो 62 को आप 50+10 प्लस में 2 ऐसे डिवाइड कर लीजिए तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, करना काफ़ी आसान होगा। तो अब 50% किसी भी नंबर का निकालना क्या कठिन होता है? बिल्कुल नहीं, इसका सिर्फ आधा ही तो करना है। तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 225। ओके, फिर 10% निकालना कठिन होता है? बिल्कुल नहीं, यही जो जीरो है इसको हटा दीजिएगा, क्या गया 10%। 2% निकालना क्या कठिन होता है? नहीं, 45 × 2 कितना जाएगा? 90, मतलब 9 आ गया। ऐड कर लीजिए, 9, 5, 14, 14 और 5 कितना आ गया? 19, 9 आ गया, 4, 2, 6, 7 आ गया, और ये 2 कितना आ गया? देखिए 279। मैंने कोई मल्टीप्लिकेशन और ऐसा कुछ किया नहीं, बड़े आसानी से 279 आ गया, और कोई भी प्रेशर नहीं लेना पड़ा, ना तो इसके किसी स्टेप में आपको कोई कन्फ्यूजन है कि गुणा सही किया है कि नहीं किया है, वो भी नहीं है। फिर आपको पता है कि ये परसेंटेज में माइनस में ये है, तो अगर मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊं और इसमें से इधर 223 को ले आऊं, तो 223 इसमें से घट जाएगा, तो कितना बचेगा? ये बचेगा 6 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, और ये तो आपका इतना ही, मतलब 56 बचा। एक तरफ क्या बचा? 56, और ऑफ में 160 है, 160 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 160 डिवाइड में जाएगा, और जो परसेंट है ये आपका इधर आ जाएगा, तो ये अपॉन में 100 था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। इसी को सॉल्व करिए, ये 0 से 0 कट गया, आप किससे काट सकते हैं? आप इसको 4 से काट सकते हैं, 4 × 16, 4 × 1 = 4, 4 × 16, और यहाँ पे देखिए 140/4 ये आपका आ रहा है, 140/4 को आप डायरेक्ट यहाँ पे काट के देखिए कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, कितना गया? 35 आ गया, 35 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ये ई वाला ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ेंगे। ओके, तो इसमें आपने क्या तरीका सीखा? तरीका ये सीखा कि परसेंटेज की वैल्यूज़ अगर ज़्यादा रहें, 73% निकालना हो किसी नंबर का तो मैं 73% नहीं निकालूंगा, 75 माइनस में 2% निकालूंगा, ना तो 75% निकालना कठिन है, ना तो 2% निकालना कठिन है। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन क्यों करना? उसको ब्रेक कर लीजिए, आपका कैलकुलेशन आसान, कैलकुलेशन आसान तो एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी और क्वेश्चन भी आप कम समय में कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ 12.5 × 16.8 × 9.5 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। अब अगर क्वेश्चन ये लिखा हुआ है तो आपको इससे क्या सीखने को मिलता है कि आप इसमें कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, लगाना चाहें देख लीजिए कुछ लगा सकते हैं, लेकिन आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा पूरे नंबर्स को। तो अगर ऐसा है तो इसमें आप दो तरीके अपना सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप इसमें डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं, हालांकि मैं कहता नहीं हूँ कि इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, लेकिन अगर कहीं आप फंस जाते हैं और आपके पास समय कम है तो एक बार ट्राई करने में कुछ हर्जा नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा कि डिजिटल सम जो है उसके लिए जो ऑप्शंस हैं उनके डिजिटल सम्स अलग होने चाहिए, वरना फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। तो हम इसका डिजिटल सम से आंसर निकाल सकते हैं। डिजिटल सम से कैसे निकालेंगे कि हम पहले इस पूरे नंबर का निकालने, डिजिटल सम आता कैसे है। जिन लोगों ने डिजिटल सम की वीडियो नहीं देखी या कैसे उसको निकालते हैं, उनको मैं कॉर्नर में लिंक दूंगा, वहाँ पर जा करके वो वीडियो ज़रूर देखें। यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, इसको ऐड करेंगे, 5, 2, 3 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, 8 आ गया यहाँ पे इसका डिजिटल सम। ओके, गुणे में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6, 7 और 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15,
15 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 6, तो यह आ गया इसका डिजिटल सम 6। 9 और ये क्या हो गया 5, 9 और 5 14, 14 का मतलब क्या हो गया 4 एक 5, तो ये कितना आ गया 5, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा, 30 का डिजिटल सम कितना आएगा 3 आएगा, तो 8 3 24 करेंगे, इसका डिजिटल सम कितना आ गया 6। ओके, डिजिटल सम कितना आया है 6। तो आपको पता है कि अगर कोई ऑप्शन भी डिजिटल सम 6 दे रहा है तो वो उसका सही आंसर है। अगर एक से अधिक आंसर दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि दोनों सही हों, उनमें से कोई एक सही होगा। तो हम केवल डिजिटल सम निकालें, जैसे इसका डिजिटल सम निकालें 8 और एक 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, वैसे हम कहते हैं 9 के आगे काटते चलते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, 23 आ गया, 23 में आप डिजिटल सम निकालेंगे कितना आएगा 5 आएगा, ये इसका आंसर नहीं है। 9 एक 10 और 10 और 9 19, 19 और 5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24, 24 का मतलब 6, मतलब ये इसका सही आंसर हो सकता है, आगे चेक करना पड़ेगा। 7 एक 8, 8 8 16, 16 और 5 21, 21 का डिजिटल सम 3, 9 एक 10 4 14, 6 20 कितना आ गया डिजिटल सम 2, 9 एक 10, 10 और 8 18, 18 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 27, मतलब इसका डिजिटल सम कितना आ गया 9 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई भी डिजिटल सम रिपीट नहीं हुआ, एक ही आया है, तो वो क्या है बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। बस ऐसे ही आपको करना है और कुछ नहीं। तो हमने कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया, जो डिजिटल सम है उसकी प्रॉपर्टी का प्रयोग किया और आसानी से आंसर को निकाल लिया। ओके, हालांकि मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि डिजिटल सम का प्रयोग कम से कम करिए, यहीं पे अगर 2-3 ऑप्शंस होते हैं जिनमें 6 आ जाता तो कोई भी यहाँ पे तरीका काम नहीं करता, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ामनर हैं या फिर जो एग्ज़ामिनेशन एजेंसीज़ हैं वो भी चालाक हैं, वो ऐसे देती नहीं है क्वेश्चंस को कि आप आसानी से कर लें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऐसे क्वेश्चंस आप कर नहीं सकते, आसानी से कर सकते। अब इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ लागू नहीं हो सकता या फिर आपको बहुत लंबा जाना पड़ेगा, उसका ये होता है कि आप यूनिट डिजिट का कैलकुलेशन करके देख लीजिए। अब चूंकि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट आप देख रहे हैं लगे हुए हैं, इस वजह से यूनिट डिजिट जो आएगी वो 3 अंक के बाद आएगी। ओके, 3 अंक आप राइट से चलेंगे निकालेंगे और उसके बाद आपको यूनिट डिजिट प्राप्त होगी, तो ऐसे अगर आप निकालेंगे तो आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। जैसे 16025 है, इसको 12025 से मल्टीप्लाई करिए, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, फिर 8 एक कम 8, 8 और यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा 10, तो ये आ गया इतना। 6 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 12 3 15, 6 एक कम 6, 6 एक 7। फिर इसके बाद आपको एक स्टेप और नीचे जाना पड़ेगा पूरा कैलकुलेट करने के लिए, एक ये 5 आ जाएगा, ये 2, ये 1, इसको आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 2 9 1 10 एक 11, 1 आ जाएगा और यहाँ पर कितना गया 2। अब यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगाएं कितना आ जाएगा 210। अब इसमें फिर से 9.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 0 हो जाएगा, ये कितना आएगा 5 आएगा, अब ये 5 आएगा, फिर से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0 आएगा, और फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो इस अब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे एक दशमलव एक अंक के बाद दशमलव लगेगा तो यहाँ पे 5 आएगा, मतलब जिसके आखिरी में 5 है वो सही ऑप्शन हो सकता है, मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, फिर भी 3 आपके पास हैं। फिर आखिरी में आपको पूरा कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। वहीं अगर पॉइंट नहीं होते हैं तो हमारे सामने थोड़ी सुविधा होती है कि यहाँ पे जैसे 2-0 हट गए तो हमको ये पता चल जाता है कि आखिरी में जिसके 2-0 हैं या 3-0 आ रहे हैं वही सही आंसर है, तो वहाँ से हम टिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो तरीका लागू नहीं होता है। ओके, अब अगला सवाल है, यहाँ पर देखिए पॉइंट का केवल आपको ख्याल रखना है, ऐड ही करना है और कुछ नहीं करना, बड़ा आसान सवाल होता है लेकिन बड़ी गलतियाँ होती हैं, केवल आपको डेसिमल के पॉइंट्स आपको देखने हैं, अगर वो आपने सही से देखे तब तो सही होगा वरना गलतियां होंगी। तो इसको करना कैसे जाता है, इसमें आप बस ये आप ऐसे कर सकते हैं इसको, मतलब करने का तरीका तो ये है कि आप एक लाइन से लिख के जोड़ लीजिए, वो तो सबको पता है। आप इसको ऐसे करिए कि आप 343 में आप 43 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 386, इसमें 4 ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 390, ये आपको पता चल गया कि 390 के आसपास आपको आंसर मिलेगा। पहली बात आपको जो पता चलती है वो ये है। अब इसमें कौन सा सही हो सकता है, देखिए तो ये आपको पता है ये पॉइंट है, पॉइंट 4 है, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 4 है। अगर बहुत ज़्यादा भी ऐड होगा तो एक या दो नंबर ही आगे यूनिट डिजिट में ऐड हो पाएगा, मतलब इसका ये नहीं हो सकता आंसर, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब दो ही आंसर हो सकते हैं 391 या फिर 395। और अगर आप केवल ध्यान से देखिए कि ये 0.4 है, ये 0.3 है, ये 0.1 हो गया, मतलब एक यूनिट डिजिट ऐड हो गई,
फिर ये 0.3 है और ये 0.4 है, मतलब क्या हुआ कि ये आपका दो डिजिट भी क्रॉस नहीं कर रहा है, दो यूनिट डिजिट भी क्रॉस नहीं कर रहा है, मतलब दो भी ऐड होकर के शायद नहीं बन पाएगा, मतलब 395 भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर कौन सा है, 391.256। हाँ, यहाँ पे एक ये दिक्कत हो सकती है, वैसे होती नहीं है एग्जाम में, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, कि अगर ऐसे लिखा रहे 391.246, 391.86, तब आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, वरना पूरा भी कैलकुलेट करने में कोई हर्जा नहीं है, बस आपको वो यहाँ पे डेसिमल वाले ऐड कर लेने हैं। बाकी क्वेश्चन आसान हो गया, हमने कोई एडिशन नहीं किया, कोई कैलकुलेशन नहीं किया, पॉइंट वगैरह का कुछ ख्याल नहीं यहाँ पे रखा, बस हमने जो आगे के नंबर्स थे उनको ऐड किया, हमको ये अंदाज़ा मिला कि हमारा आंसर की रेंज क्या हो सकती है, उसका कितना कहाँ से कहाँ तक वो जा सकता है, वेरी कर सकता है, उसके अनुसार हमने कुछ ऑप्शंस को काट दिए जो कि कभी नहीं हो सकते, जो बचे थे उसको थोड़ा सा और नैरो डाउन कर लिया, कैलकुलेशन कहीं नहीं किया, केवल दिमाग में किया, और ये आंसर हमको प्राप्त हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनमें कोई खास बात नहीं होती है, जो भी नंबर आपसे पूछा जाए, जो भी बेस में हो नंबर और जिसकी पावर पूछी जाए, आपको बस क्या करना है कि सारे नंबर को उसी बेस में कन्वर्ट करना है, और आपको जो इंडिसेस ऑफ सॉर्ट्स के जो रूल्स होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। जैसे अगर मैं 64 को लिखूँ तो 64 को लिख सकता हूँ 8 की पावर 2, और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगा, 3, जो कि ये 3 है ये बना रहेगा, इंटू में 8 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 512, मतलब 8 की पावर 3 होता है, इस पूरे की पावर 2 इज इक्वल टू 8 का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता होना चाहिए कि a की पावर m और इसकी पावर अगर n होता है तो ये क्या होता है, a की पावर m इंटू n होता है, मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऐड नहीं होता। ओके, जब यहाँ पे बेस सेम रहे और पावर चाहे सेम रहे चाहे अलग अलग रहे, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई होता है, तब ये a की पावर m प्लस n होता है, डिफरेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 8 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 3 × 6 इज इक्वल टू 8 की पावर? अब ये आपको पता है ये 6 डिवाइड में है, इससे कट ही जाएगा, बचेगा केवल 8 की पावर 9, और बेस दोनों के आप सेम कर लीजिए तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 9। कौन सा वाला ऑप्शन से हो गया, ई वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ओके, अब अगला क्वेश्चन है फ्रैक्शन वाला। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, अगर केवल क्वेश्चन के टाइप की बात की जाए तो, एक तो सिंपल आपके सामने फ्रैक्शन लिखा रहता है, एक मिक्स फ्रैक्शन होता है जिसमें आगे भी आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, ये सिंपल है। इसमें भी दो टाइप होते हैं क्वेश्चन में भी, ऑप्शन के आधार पे। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें जो ऑप्शंस होते हैं फ्रैक्शन में लिखे होते हैं, जैसे 4/5, 3/12, कुछ भी आपको ऑप्शन भी फ्रैक्शन में लिखा रहेगा, वो कंपैरेटिवली आसान होते हैं। इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो फ्रैक्शन में ना लिख करके डेसिमल में लिखा गया है, मतलब आपको फर्दर कैंसिल आउट करने के बाद इसको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा इसका सही आंसर क्या है। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले यही करते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो लिखा हुआ है 65/16 डिवाइडेड बाय 52/9 मल्टीप्लाइड बाय 12/25। अब सबसे पहली शुरुआत हम करेंगे, इस डिवाइड को हटाएंगे और इसकी जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि ये जो 52 है नीचे आएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, इसको हटा देंगे और इसको 9/52 ऐसे लिख लिया। अब सिंप्लीफाई करिए, सबसे पहले क्या, जैसे 4 × 4=16, 4 × 3 = 12 हो गया, 13 से काटिए, 13 × 5 = 65, 13 × 4 = 52 हो गया। यहाँ पे और कुछ कट रहा है क्या, हाँ 5 से कट जाएगा ये 25, कितना हो जाएगा देखिए, अब कुछ कटेगा नहीं, 9 × 3 = 27 और 4 × 4=16, 5 = 80, कितना गया 27/80। अब अगर यहीं से होता फ्रैक्शन वाला तो आंसर आ गया था, टिक करके आगे बढ़ते, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको फर्दर डिमांड करेगा कि आप इसको डिवाइड करिए। तो आप इसमें से कुछ चीज़ें तो ये कर सकते हैं कि पहला वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है मतलब हर जो है वो बड़ा है न्यूमरेटर से, मतलब ये जो ऑप्शन होगा ये 0 point something वाला होगा, लेकिन कितना, तो इसकी शुरुआत आप ऐसे करें, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, ये 270 हो गया, 8 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 × 3 = 24 होता है, तो 3 बार जाएगा। ओके, अब यहाँ से आप डी वाले ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं कि डी वाला ऑप्शन सही है, अगर यहाँ पे नन ऑफ दीज ना लिखा होता तो। नन ऑफ दीज लिखा है, इट मीन्स आपको आखिरी डिजिट तक जाना होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि 3 3 7 5 लिखा है तो सही हो सकता है आंसर 3 3 7 4 हो, तो क्या करेंगे,
तो आपको जाना पड़ेगा आखिरी डिजिट तक। तो अगर 3 बार आप ले गए हैं तो फिर से यहाँ पे 30 बचा है, फिर से आप कितनी बार ले जाएंगे, मतलब यहाँ पे 300 होगा तो 8 × 3 = 24 होगा, फिर कितना बचेगा 60 बचेगा मतलब 600 होगा, फिर कितनी बार जाएगा 8 × 7 = 56 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 4 बचेगा तो 400 होगा, 8 × 5 = 40, पूरा का पूरा ऐसे कटेगा। हालांकि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका सही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पे आपको सावधान रहना है, ज़्यादा उत्साह में आकर के जल्दीबाजी में टिक करना भी गड़बड़ी होता है। अब अगला क्वेश्चन है 192 × -58 = 8128 और फिर ये क्या है क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे मल्टीप्लाई करना 192 × 51 काफ़ी कठिन हो सकता है, इसको मल्टीप्लाई करना टाइम लग सकता है। आप इसको अगर चाहें तो किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा यहाँ पे हमने देखा था डिजिटल सम वगैरह का मेथड लगा करके कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था उसकी एक शॉर्टकमिंग क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि उससे आपको आंसर मिल ही जाए। ओके, तो अगर उससे नहीं सॉल्व कर सकते तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तो आपको थोड़ा सा अपने मन को मजबूत रखना है उस तरीके से, और एक तरीका क्या है कि थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाइए। आप यहाँ पे देखिए कि आपको सबसे पहले ये मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पे घटाना है, मतलब एक पार्ट इसका ये हो गया, दूसरा पार्ट ये। हम सबसे पहले क्या प्रयास करें कि हम अगर देखें कि इन दोनों में कुछ कॉमन मिल सकता है क्या, हमें कोई नंबर है जो 192 को भी काट दे रहा हो और 8128 को भी काट दे रहा हो, तो एक नंबर तो मुझे क्या पता चलता है, दो से तो कट ही जाएगा, 4 से काट के देखूँ, मतलब हमको बड़ा से बड़ा नंबर अगर कॉमन मिल जाए तो ये वाला जो नंबर है ये भी छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो ये वाला नंबर भी छोटा हो जाएगा, तो आसान होगा। तो 4 से अगर काटेंगे तो ये तो कट ही जाएगा, आपको पता है यहाँ पे 4 × 4 = 16, 4 × 8 = 32, इसको काटें 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 4, 2 × 8 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 16 से काट के देखते हैं तो ये 16 × 16 = 16, 16 × 2 = 32 हो जाएगा, और फिर अगर हम इसको काटें किससे यहाँ पे तो 16 × 5 = 80 हो जाएगा, फिर 28 आता है, 16 × 8 = 128 होता है, कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 16 आपको मिल गया, 32 से आप करके देख सकते हैं, 16 के पहाड़े में ही आता है 32 भी, तो वहाँ से करके देख सकते हैं, लेकिन 32 का पहाड़ा आपको आना चाहिए, तो 16 तक का पहाड़ा तो लगभग सबको आता है, तो हम वहीं तक चलते हैं। ओके, तो हम 16 से अगर इसको काटें तो ये 16 कॉमन ले लें तो यहाँ पे कितना आएगा, 16 × 16 = 16 × 2 = 32 गुणे में क्या आ गया 51, और माइनस में ये क्या आ जाएगा, इसको कितनी बार काटा था, 16 × 5 = 80 और 16 × 8 = 128। ओके, ये आपको प्राप्त हो गया। अब आपको क्या करना है कि आपको 12 और 51 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ये तो आसान है, यहाँ पे 16 कॉमन रखें, 12 × 12 हो जाएगा, 12 × 5 = 60 और 1 × 61 = 612, माइनस में 508 करना है, 100 जोड़ेंगे तो 608, 4 जोड़ेंगे तो 612, मतलब 16 × 104, 16 × 64 होगा तो ये 64 आ जाएगा, और 16 × 16 ये इसका आंसर आ गया। कौन सा वाला ऑप्शन है, देखिए तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, 1664। ओके, ये एक तरीका था सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आपको पता है कि 192 को 51 से अगर गुणा करना है तो अगर 192 को 50 से गुणा करना हो तो क्या ये कठिन काम है, बिल्कुल भी कठिन काम नहीं है। आपको बस 192 को 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देना है, कितना हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 × 9 = 18, 2 × 6 = 12। ओके, और आपको 2 जीरो आगे ऐसे बढ़ा लेने हैं। अब 9600 आया है 50 बार मल्टीप्लाई करके, लेकिन ये 51 बार है तो 192 इसमें ऐड कर दीजिए, 2 हो गया, ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, 9792। इसमें से घटाना कितना है, 8128 घटा लीजिए, 12 में से 8 गया कितना बचेगा 4, 8 में से 2 गया कितना बचेगा 6, 7 में से 1 गया कितना बचेगा 6, यहाँ पे 1, 1664 इसका डी वाला ऑप्शन आ गया। ये दूसरा तरीका था इसको सॉल्व करने का। ये तरीका तभी होगा जब आपका मन मजबूत होगा और थोड़ा सा प्रयास करेंगे समझने का क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में कुछ भी कठिन नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका तरीका बस आपको सीखना होगा कैसे इसको करना है। जब डिवाइड फिर डिवाइड फिर डिवाइड फिर डिवाइड ऐसे क्वेश्चन रहता है तो बहुत सारे लोग चकरा जाते हैं कि राइट टू लेफ्ट चलें या फिर लेफ्ट टू राइट चलें। याद रखिएगा जो ये ऑपरेटर्स हैं ये आपके लेफ्ट टू राइट ही चलते हैं, लेफ्ट टू राइट आपको चलना हो, मतलब सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इससे जो आंसर निकलेगा फिर उसको इससे सॉल्व करेंगे। ओके, ऐसा करना होगा, उल्टा नहीं चलेंगे। तो हम अगर यहाँ पे क्या लिखा है 6666, इसको डिवाइड करें किससे, 66 से, कितनी बार जाएगा तो ये 101 बार जाएगा, और कुछ लोग इसको 11 बार काटेंगे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होगी। आप जो काटते हैं देखा भी करिए, अगर 11 होगा और 66 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये मिलेगा क्या,
नहीं मिलेगा ना, तो कैसे काट देंगे, 101 बार ये कटेगा। अब फिर आप 101 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8 होगा, 2 बचेगा, कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 होगा, फिर यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ओके, पूरा का पूरा 25.25 में कटेगा। सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ओके। इसको अगर आपने इसका उल्टा किया कि पहले आप 4 को डिवाइड, यहाँ 4 से डिवाइड किया आपने 66 को, तो कितनी बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 16 सम दो 5 आ जाएगा, फिर 66, ये 6666 जो है इसको 16.25 से अगर आप डिवाइड करेंगे, अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको यहाँ पे काट के देखिएगा, अगर आपके पास कैलकुलेटर हो, कोई ना कोई एक ऑप्शन आपको सही ज़रूर मिल जाएगा। मेरे ख्याल से शायद बी वाला जो ऑप्शन है वो इसका आएगा, पूरा 404 बार में ये कट जाएगा, ओके। तो आपको उल्टा वाला जो ऑप्शन है वो भी दिया रहेगा, और खुश होने की ज़रूरत नहीं, वो गलत होगा, ओके। और यहाँ पे एक और सावधानी जो आपको यहाँ पे, या सावधानी क्या, आप इसको एक और तरीके से ऐसे देख सकते हैं कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6666 डिवाइडेड बाई 66 गुणे में 4, ऐसे लिख करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अगर सही अप्रोच पता है तो आप इसको बड़े आसानी से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम सबसे पहले फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, 7 5 35 3 38 करके, 7 21 2 23 करके, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि इन सारे नंबर्स को हम एक तरफ ले लेते हैं, ओके। 7 3 10 11 11 में से 4 गया, कितना बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, ओके। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए प्लस में होगा, ओके, ये वैल्यू प्लस में है। अब जितने फ्रैक्शंस हैं उनको हम एक तरफ लिखते हैं, 3/5 प्लस 2/7 प्लस 3/10 और माइनस में 4/5। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपको यहाँ पे आंसर पता चलेगा, क्योंकि ये पॉइंट में नहीं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका क्या सही आंसर होगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या सही आंसर आया इसका, ओके। वैसे तो ज़्यादातर काम हो चुका है, बस आपको कैलकुलेट करना है, तो ये आप कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपको कुछ नया तरीका सीखने को मिला है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।